चीकू जी हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। और मैंने यहां पे एक अपने बेबी के लिए, मतलब अभी बेबी गर्ल है जो मेरी, वो अभी 6 मंथ प्लस हो चुकी है, तो मैंने उसके लिए एक यहां पे प्रोडक्ट मंगाया है जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। साथ ही साथ मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपने बेबी को खाना बना के देती हूं। मतलब मेरी बेबी जो है वो 6 प्लस है, तो अब उसको सेमी लिक्विड जो फूड मैं देती हूं उसमें मैं क्या क्या देती हूं, क्या क्या आप दे सकते हैं, क्या आप बना सकते हैं, वही सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पे अगारो का ये एक मिनी ब्लेंडर मंगाया है जिसमें कि 3 जार आते हैं। इसमें आप बहुत इजीली तरीके से अपने बेबी के लिए फूड को ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे आप कोई शेक बनाना चाहते हैं तो चीकू शेक है, या फिर बनाना प्यूरी है, या एप्पल प्यूरी है, या कुछ भी आपको मैश करना है अपने बच्चे के लिए, तो आप इसमें छोटा वाला जार है ना, इजीली इसको बना सकते हैं। बहुत आराम से ये बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, एंड आई होप आपको ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो ये है अगारो रीगल 3 जार प्रोफेशनल ब्लेंडर 400 वॉट्स का, और ये काफ़ी अच्छा ब्लेंडर है। इसमें आप देख सकते हैं 3 जार आपको यहाँ पे मिला हुआ है। एक छोटा साइज़ है, फिर एक उससे बड़ा है, देन फिर उससे बड़ा है। इस तरह से यहाँ पे 3 जार जो दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे पहले जार में लिखा हुआ है ग्राइंड, एंड यहाँ पे जो सेकेंड जार है उस पर लिखा हुआ है ब्लेंड, और ये जो तीसरा जार है इसको आप एज अ शेकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें जो ये मोटर दी हुई है इसको आप लगा करके इस जार को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये छेद वाला ये प्लेट मिला है, ढक्कन कवर मिला है, इसको अगर आप कुछ ऐसा पीसते हैं कि आपको स्ट्रेन करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें इस तरह से ये सारे ढक्कन जो है सभी जार पे जो है वो लग जाते हैं, तो आप यूज़ करने के बाद जो भी आपका डिश है वो आप इसको अगर छानने वाला है तो आप इसको लगा के छान सकते हैं। अगर आपको कुछ स्टोर करना है, अगर आपका कोई सामान बच गया है तो भी आप इसमें रख करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं ब्लेंडर के मटेरियल की बात करूं तो ये प्लास्टिक का है, एंड इसका जो वेट है वो 1600 ग्राम का है। ये डिशवॉशर सेफ नहीं है, इसको आप हाथ से आराम से ईजिली वॉश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बेबी के लिए जा रही हूँ यहाँ पे चीकू शेक बनाने। सबसे छोटा वाला जार मैंने वॉश करके ले लिया है, एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक चीकू, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड करना है, और मैंने इसका लिड जो है वो लगा दिया है। इसको चलाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं दिया हुआ है, बस आप इसको लगाएंगे और हल्का सा पुश करेंगे कि आपका जो ग्राइंडर है वो चल जाएगा। आपको इस ब्लेंडर को 30-30 सेकंड के गैप में रोक करके चलाना होगा, एक साथ आपको इसको नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए हमारी जो प्यूरी है वो तैयार हो गई है मेरे बेबी के लिए। सो अब मैं यहाँ पे इसको हल्का सा दूध और डाल करके एक बोल में निकाल लूँगी, तो यहाँ पे हमारी चीकू प्यूरी जो है वो तैयार है। चलिए अब इसको मैं अपने बेबी को खिलाऊँगी, और जो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है उसको मैं अपनी बड़ी बेटी को दे दूँगी शेकर लगा करके, तो दोनों ही बच्चे मेरे अच्छे से इसको इन्जॉय करेंगे। चलिए मैं देती हूँ और दिखाती हूँ उनका रिएक्शन होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस ब्लेंडर में आप किसी भी चीज़ को चॉप कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, प्यूरी बना सकते हैं, साथ ही साथ स्मूदी, जूस, मिल्क शेक, कोल्ड कॉफी या फिर मसाला चटनी भी पी सकते हैं। हेलो हेलो, हाथ उठाओ बच्चे, हाथ उठाओ बच्चे। चीकू जी बहुत अच्छा बनाया मम्मा ने। तो मेरी छोटी बेटी ने तो पी लिया है, मतलब खा लिया है, और यहाँ पे देखिए मेरी बड़ी बेटी जो है वो शेकर से एंजॉय कर रही है और बोल रही है वो बहुत ही टेस्टी बना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा जार लिया है क्योंकि मुझे इसमें यहाँ पे पीसना है टमाटर, लहसुन एंड अदरक का पेस्ट, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है और इसको हमें सिर्फ ब्लेंड करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसकी मोटर है वो 100% कॉपर है, एंड ये 400 वॉट का ब्लेंडर है। तो इसमें आपकी स्मूदी, मिल्कशेक, जूस, नट बटर, इडली डोसा, बैटर डोसा, चटनी, सॉस, डेजर्ट एंड सूप ग्राइंड कर सकते हैं अच्छे से, और कोई भी मसाले इसमें पिस जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसमें 2 ब्लेड आते हैं, और जो कि स्टेनलेस स्टील की ब्लेड्स हैं। अगर मैं इसकी क्लीनिंग की बात करूं तो ये भी बहुत इजी है। इसका जो पूरा पीछे का ये पार्ट है निकल आता है, और ये रिब जो है ये भी निकल आती है। उसके बाद आप अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लीन करके सुखा करके वापस से लगा दिया है।
अब आपको जब भी इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है आप इजीली आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस मुझे पता है आप सबको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। किस किस को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। एंड कौन कौन अपने बेबी के लिए ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, बेबी के लिए नहीं आप ऐसे भी इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आप जैसे छोटा सा जार है तो आप मसाला आराम से पीस सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम जब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा चीज़ ही घर पर मतलब बनता है, तो उसके लिए आप आराम से ये जार जो है, ये जो आप ब्लेंडर है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।